दमदमा साहब दे जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने टारगेट किलिंग ते जताई चिंता। बोले गैंगस्टरां दा इस्तेमाल कर रही कई देशां दीआं खुफिया एजेंसीज। निज्जर पंजवाड़ दा कतल भी इसे दा नतीजा। गोगामेड़ी दा कतल भी सोची समझी साजिश। ज्ञानी हरप्रीत सिंह बोले सिखां खिलाफ अतवादी वक्फादी होण दा सिरजिया जा रहा बिरतान। सिख नज़लकुशी दे दोषियां नूं आजाद करके पैदा किया जा रहा डर। सिखां नूं देश तीजे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा। पंजाब दीआं जेलां च थाणियां नूं लैके हाई कोर्ट ने जताई हैरानी। ट्रांसजेंडर दे लई वखरा सेल ना होण ते हाई कोर्ट नाराज। चंडीगढ़ दे वकील सनप्रीत सिंह ने दाखल की है पटीशन। हाई कोर्ट ने ट्रांसजेंडर दे लई वखरा सेल ना होण ते पंजाब सरकार तों मंगिया जवाब। जेलां च ट्रांसजेंडर दे लई वखरे टॉयलेट नूं लैके भी मंगिया जवाब। हुण 18 जनवरी नूं होवेगी अगली सुनवाई। डेरा बसी च कार बाहर खड़े नौजवान ते फायरिंग करन वाले दो शूटर गिरफ्तार। मुलजमां च इक नाबालिग भी शामिल। दो पिस्तौलां ते कारतूस बरामद। अमरीका नाल जुड़े तार। यूपी अलीगढ़ की कोतवाली च पिस्टल चेक करते थानेदार तो चली गोली। महिला के सिर ते लगी बुलेट। गंभीर हालत अस्पताल भर्ती। मुलजम थानेदार होया फरार। लुधियाना च तेंदुआ दिखण तो बाद इलाके च दहशत का माहौल। लोगों ने डंडिया सोटिया नाल करा बाहर लगाया पैरा। पुलिस ने लोगों नूं सावधान रहने की कीती अपील। परसों देर रात पौश इलाके की सोसायटी च देखा गया एक तेंदुआ। एमपी रवनीत बिट्टू ने राजवाणा की भुख हड़ताल दस्या ड्रामा। बोले किसने देखा भुख हड़ताल की जा रही। राजवाणा सिर्फ बादल परिवार की कठपुतली। केंद्र सेहत मंत्री मनसुख मांडविया अज आउणगे पटियाला। डकाला च विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभपार्थियों नाल करनगे संवाद। एमपी प्रनीत कौर भी नाल रहणगे मौजूद। चंडीगढ़ पंजाब कांग्रेस ने की अहम मीटिंग। इंचार्ज हरीश चौधरी ने सूबा लीडरशिप नाल कीता मंथन। बोले इंडिया अलायंस ते लोकसभा चोणां दी तैयारी नूं लैके हुई चर्चा। भाजपा बोले आम आदमी पार्टी नाल साडा लैणा देणा नहीं। मोहाली से आए पुलिस ने वीआईपी बन के घुमण वाले ठग नूं कीता काबू। लोगों नाल लखां दी ठगी मारन दे लगे इल्जाम। वीआईपी वांग सिक्योरिटी नाल लैके लग्जरी गड्डी च घुमदा सीगा मुलजम। फिरोजपुर पुलिस ने नशा तस्करा की प्रॉपर्टी ते लिया एक्शन। ड्रग मनी तो बनाई प्रॉपर्टी की फ्रीज। जिले तो हुण तक 30 दे करीब नशा तस्करां दी 15 करोड़ दे करीब संपत्ति की जा चुकी है जब्त। बटाला पुलिस दी नशा तस्करां दे खिलाफ वड्डी कार्रवाई। नशा तस्करां दी 1.61 करोड़ दी जायदाद की जब्त। नशे दे वख-वख 6 केसां च नशा तस्करां खिलाफ की गई कार्रवाई। लुधियाना एसटीएफ ने एक शख्स नूं कीता काबू। 4.5 किलो हैरोइन सने 1,40,000 रुपए की ड्रग मनी बरामद। शख्स तो होंडा सिटी कार भी की बरामद। पुलिस मुताबिक कारा की खरीदो फरोख्त का कारोबार करता सीगा मुलजम। फाजिलका के सरहदी खेत भारतीय जाली करंसी के कारोबार का होया पर्दाफाश। पुलिस ने हजारा रुपए के जाली नोट समेत 3 लोगों किया काबू। मामला दर्ज करके पुलिस ने जांच की शुरू। बठिंडा लगते पिंड कोट शमीर किसान का गुआढ़ियों होया विवाद। किसान ने घर दाखिल होकर कुटमा करने के लगाए इल्जाम। औरतों भी लगिया सट्टा। लुधियाना च एक कार च होया जबरदस्त हंगामा। एक शख्स के चाकू नाल कीते कई बार पीड़ित जेरे इलाज। हालत बड़ी हुई गंभीर। किराया देन च देरी दे चलदे कीता हमला। यमुनानगर के थापर कॉलोनी नेड़े नाबालिग लड़की की किडनैपिंग मामले च पुलिस का वड्डा खुलासा। पुलिस का दावा कुड़ी की नहीं हुई किडनैपिंग बल्कि अली नां दे नौजवान ने लड़की नाल कीता जबर जनाह। पुलिस ने लड़की नूं सुरक्षित बरामद कर मापिआं नूं सौंपिआ। लुधियाना के मोतीनगर च घर च बनी फैक्ट्री च चोरी। कपड़िआं नाल भरी बोरी चक के लै गए चोर। बाइक ते सवार होके आए सख मुलजम। तरन तारण चोरों ने गुरु घर बनाया निशाना। गुरद्वारा बाबा हिस्सोवाणा साहब अंदरों चुकी गोलक। 5 चोरों ने वारदातों दिता अंजाम। मोगा पुलिस ने 2 चोरों को किया काबू। 3 दिन पहला ही एक मंदिर च की सी चोरी। मुलजमां तों बरामद हुए 4,000 रुपए नकद। गुरुग्राम स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के एटीएम चो 20 लाख रुपए चोरी। लग्जरी गड्डी च आए चोरों ने गैस नाल कटिया एटीएम। पैसे चोरी करने तो बाद एटीएम नूं लगाई अग। फिलौर के पिंड जगतपुरा च फिल्मी स्टाइल चोरों ने चोरी की। 3 घरों नूं बनाया निशाना। सुते पए परिवारक मैंबरों नूं नशीली चीज सुंघा के वारदात नूं दिता अंजाम। घरों कीमती समान चोरी करके हुए फरार। मामले की जांच जुटी पुलिस। जलंधर की गुराया पुलिस के हत्थे चढ़े एक शख्स। मुलजम तो बरामद हुई 300 नशीलियां गोलियां। पुछगिछ पुलिस ने होर भी खुलासे होने की जताई उम्मीद। पंचकूला सैक्टर 25 हादसे का शिकार हुए बाइक सवार। ऑटो की टक्कर तो बाद आए ट्रक की चपेट। मौके पर एक शख्स की हुई मौत। कपूरथला के पिंड पीरेवाल के नौजवान की साउदी अरब च ब्रेन हैमरेज करके हुई मौत। पिछले 10 साल तो साउदी अरब च कर रहा सीगा काम। परिवार ने संत बलबीर सिंह सीचेवाल तो मृतक देह वापस भारत लियाउण दी लगाई गुहार। गुहाणा के पिंड चिड़ाना च टैक्सटाइल मिल के मालिक तो फिरौती मंगने वाले 4 मुलजम काबू। मुलजमान तो एक कार भी बरामद। 10 रुपए की फिरौती मंगन के इल्जाम। कुछ दिन पहला ही अणपछात्या ने मंगी सी फिरौती। मुलजमान से पहला भी दर्ज ने कई मामले। गुहाणा पुलिस ने एक शख्स नूं कीता गिरफ्तार। नाजायज शराब दीआं 40 पेटियां हुई बरामद। स्कॉर्पियो गड्डी च लुको के ले जा रहा सीगा शराब।
ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਸਵਾਈਨ ਫਲੂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਦਸਤਕ। ਇੱਕ ਕੇਸ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਹੋਇਆ ਐਕਟਿਵ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ। ਬਠਿੰਡਾ ਚ ਬਰਨਾਲਾ ਰੋਡ ਤੇ ਭਾਂਡਿਆਂ ਨਾਲ ਭਰੇ ਟੈਂਪੂ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਅੱਗ, ਸ਼ਾਰਟ ਸਰਕਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਵਾਪਰੀ ਪੂਰੀ ਘਟਨਾ। ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਿਗੇਡ ਦੀ ਟੀਮ ਨੇ ਪਾਇਆ ਅੱਗ ਤੇ ਕਾਬੂ। ਨਾਭਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰੋਹਟਾ ਚ ਨਹਿਰ ਤੇ ਬਣ ਰਹੇ ਪੁਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹੋਇਆ ਵਿਵਾਦ। ਪਿੰਡ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਘਟੀਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵਰਤਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ, ਤਾਂ ਜੇਈ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਭਰੋਸਾ, ਚੁੱਕੇ ਹੋਏ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਚ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਖਿਲਾਫ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੇ SSP ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦਿੱਤਾ ਧਰਨਾ। ਏਜੰਟ ਤੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 29,70,000 ਰੁਪਏ ਠੱਗਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਵੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲੱਗੇ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਈ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਉਤਰੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ। ਸਥਾਨਕ ਗਿਰਜਾਘਰ ਚੌਂਕ ਨੇੜੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ, ਕਿਹਾ ਈ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਭੀੜ ਕਾਰਨ ਬਾਜ਼ਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ ਗਾਹਕ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਹਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਸੈਕਟਰ 34 ਚ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਫ਼ਤਰ ਘੇਰਿਆ, ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਮੰਗ। ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਮਿਨਿਸਟਰੀਅਲ ਸਰਵਿਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਕੱਢਿਆ ਰੋਸ ਮਾਰਚ, DAD ਬਕਾਇਆ ਕਿਸ਼ਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ। ਰਾਜਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਥੂਆ ਦੇ ਲੋਕ ਹੋਏ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ ਪੀਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ। ਪਿੰਡ ਵਾਸੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਗਲੀਆਂ ਚ ਖਲੋਤਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਕੋਈ ਸਾਰ ਨਾ ਲੈਣ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸੰਗਰੂਰ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਢੀ ਰੈਲੀ, ਸ਼ਹਿਰ ਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰਵਾਇਆ 5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਵਾਕਥੋਨ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ੇ ਖਿਲਾਫ ਕੀਤਾ ਜਾਗਰੂਕ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਚ ਪੈਂਦੀ ਇੱਕ ਸੜਕ ਤੇ ਖੜਾ ਗੰਦਾ ਪਾਣੀ, ਇਲਾਕਾ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਜਾਣ ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਗਾਏ ਇਲਜ਼ਾਮ। ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਬੇਰ ਸਾਹਿਬ ਚ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਦਾ ਮੋਬਾਈਲ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵਾਪਸ, ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਪਿੰਡ ਰਾਜਲੂ ਗੜੀ ਚ ਫੌਜ ਦੇ ਜਵਾਨ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ, ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ UP ਦੇ ਝਾਂਸੀ ਕੋਲ ਮਿਲੀ ਸੀ ਜਵਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਕਤਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦੱਸ ਕੇ ਮੰਗਿਆ ਇਨਸਾਫ਼। ਇੰਗਲੈਂਡ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਈ ਮਹਿਕ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਲਾਸ਼, ਕਾਦੀਆਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਜੋਗੀ ਚੀਮਾ ਚ ਹੋਇਆ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ। ਕਤਲ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਚ 23 ਸਾਲ ਦਾ ਪਤੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ।